हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो गार्डनिंग में। ये देखिए, मेरे बगीचे में एक नया फ्लावर आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये लिली का फ्लावर है। ये मैंने गमले में लिली लगाई थी और इसके साथ और भी, अब मौसम आ रहा है तो और भी डिवाइड भी हो रहा है लिली। तो ये लिली मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि किनारे पर इसमें रेड कलर है और बीच में वाइट कलर की लाइनिंग है, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। आज आपको मैं कोलियस के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कोलियस अगर आपके यहाँ लगे हैं तो इस समय उसमें बीज भी आ रहे होंगे। बीज को एक तो संभाल के रखना भी मुश्किल होता है और बीज डैमेज भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे बीज होते हैं इसके। तो आपको क्या करना चाहिए, बेहतर होगा कि आप कटिंग दो तीन जगह लगा लें, एक प्लांट की दो तीन प्लांट तैयार कर लें। तो उससे क्या होता है कि प्लांट एक दो जगह आप लगाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि एक सर्वाइव कर ही जाता है। और मैं एक जगह से कुछ कटिंग्स लाया हूँ कोलियस की, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि और दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप कहीं से भी कोई भी प्लांट लाते हो तो इस तरह से आप पॉलीथीन में लाएं और आधा कप या एक कप तक पानी डाल दें इसमें, इसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जैसे मैंने पानी डाल रखा है अंदर, पूरा पानी से ना भरें। और उससे क्या होगा कि प्लांट सारे जो अंदर जो प्लांट है इन सबको नमी मिलती रहेगी तो ये मुरझाएंगे नहीं। और अगर आप लाते हैं प्लांट कहीं से और मुरझा जाते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, इस पूरे प्लांट को पानी में पूरा डिप कर देना चाहिए जब तक कि ये पत्तियां इसकी वापस स्ट्रांग नहीं हो जाती, तन नहीं जाती। अभी देखिए ये बिल्कुल फ्रेश है प्लांट, जबकि मुझे लाए हुए कल सुबह मैं लाया था और अभी तक ये सही है। अब मैं इसको लगाऊंगा इसको, और लगाने की प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको लगाना। और ये सब मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं, देखिए कलर आप इनका देखिए। तो और अगर ये बच जाते हैं तो अगले साल अगर हमें परचेज़ नहीं करने पड़ते तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसको लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की, पॉटिंग मिक्स कैसा रहे। तो देखिए, ये मेरे इस पॉट में एक प्लांट लगा था तो अब मैंने उसको हटा दिया है। अब हम चेक करते हैं मिट्टी कैसी है। मिट्टी कोलियस को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सूखी। और जैसे कि देखिए मिट्टी भुरभुरी है, ठीक है, मिट्टी बहुत अच्छी है। अब चाहें तो आप इसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं, 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी आप इस तरह से मिला लीजिए। और मैं यूज़ कर रहा हूँ रूटेक्स पाउडर की जगह एलोवेरा की। ये एक मेरे पास प्लांट है पहले से ही, उससे मैं तोड़ करके लाया हूँ, लीफ है ये। और इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से हम लोग हेल्थ के लिए अवेयर हुए हैं तब से एलोवेरा सभी लोग जानने लगे हैं इसके बारे में। तो देखते हैं कैसे उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे ये जो इसकी लीव्स हैं इनको हम तोड़ देते हैं ताकि हम गाड़ सकें इनको अच्छे से, ज़मीन में दबा सकें इनको, तभी ये लग पाएंगी ठीक से। और एलोवेरा की जो जेल होता है इसको हम यूज़ करेंगे। चाहे तो आप 5-10 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही रख सकते हैं, अगर छाया है तो कोई बात नहीं। इस तरह से कटिंग्स को हम देखिए, ये लग नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा नहीं। तो इसको इस तरह से आप निकाल दीजिए। अब कई लोग इसकी पत्तियों से भी बना लेते हैं प्लांट, अब पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मौसम 48 डिग्री तक जाता है गर्मियों में तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर इस तरह से नहीं हो पाता है, फंगस लग जाती है। बेटर है कि आप ये स्टेम से ही बनाएं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये बहुत आसान मेथड है, इस तरह से आप सारी जितनी भी लीव्स हैं, जितनी भी स्टेम्स हैं उनको इस तरह से आप
लगा लीजिए एलोवेरा इसमें। अब लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं काटना है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जैसे ये स्टेम ये मुड़ी हुई है तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे ताकि ये टॉप वाला पोर्शन जो है हमारा, टॉप वाला पोर्शन ये सीधा रहना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। तो जैसे मैंने ऐसे करके इसको लगा दिया, ये भी देखिए मुड़ रहा है नीचे को, ये वाला भी मुड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं ऐसे ही लगाऊंगा। ज़्यादा अगर तना आप गाड़ते हैं तो उससे अच्छाई ये रहती है कि प्लांट जो है उसमें नीचे से मीन्स आपको एक पोर उंगली का जितना, एक पोर होता है, एक पोर उंगली का होता है एक पोर, उतना तो आपको लेना ही लेना है। इसको दबाना अच्छे से, पोलापन ना रहे, अगर पोलापन रहेगा तो फिर नहीं लगेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं ऊपर ही रख देते हैं और मिट्टी ठीक से नहीं दबाते और फिर बोलते हैं हमारे यहाँ से प्लांट लगते ही नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा दो चार बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। देखिए कितना सुंदर लगने लगा गमला हमारा, पूरा भर चुका है। और जब ये चलने लगेंगे तो हम इनको निकाल करके अलग अलग गमले में लगा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा इनको मैं मदर प्लांट की तरह ही ट्रीट करूंगा इनसे, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनसे निकाल करके मैं लगाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि ये आपके तो बची गए, ये तो आपके चलते रहेंगे। जैसे कि ये वाला मेरा प्लांट है, तो देखिए इसको, इसकी देखिए ये कितनी सारी इससे निकल आई हैं स्टेम, समझ में आ रहा है ये इससे एक प्लांट बन जाएगा, एक प्लांट इससे बन जाएगा। देखिए ये क्या है, इसको भी तोड़ लेता हूँ। इन सबको आप लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास एक छोटा सा, इसमें भी लगा कर देखता हूँ। देखिए आप अलग अलग, तो ये जो अभी मैंने तोड़ी हैं ये कोलियस की ये डालें, तो ये मैं इनको इसमें लगाऊंगा, ये इसमें पूरा काउडंग है इसमें, इसमें भी अच्छा सक्सेस रेट आता है। अगर आपकी गोबर की खाद अच्छे से पकी हुई है और ज़्यादा उसमें नमी नहीं है, भुरभुरी सी है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से प्लांट लगते हैं। इसमें जो है आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को, इसमें सैकुलेंट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और तुरंत बढ़ने लगते हैं इसमें लगाते ही। अच्छे से प्रेस कर देना होता है इसको। एक मैं ऐसे ही लगा रहा हूं इसको बिना कुछ लगाए, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे ही लगाता रहा हूं बिना एलोवेरा के, तब भी अच्छे से लग जाती हैं। अब देखिए जैसे कि हमने लगा दिया है इन कोलियस की कटिंग्स को, तो अब हम पानी इसमें ज़रूर डालेंगे। कोई प्लांट लगाएं चाहे जितनी भी नमी हो, एक बार पहली बार तो प्लांट में पानी डालना ही पड़ता है और वो ज़रूरी भी होता है। तो पानी डालने के लिए हम ऊपर से ऐसे हल्का हल्का से डालेंगे और इतना मत भर देंगे कि ताकि प्लांट के एक इंच तक पानी हो जाए। ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, देखिए ड्रेनेज अच्छा है, देखिए पानी आपको दिख रहा होगा कम होता जा रहा है। बस अब हम पानी इसको नहीं देंगे, 3 से 4 दिन तक हम इसको छाए में ही रखेंगे और पानी अब बिल्कुल भी नहीं देंगे, जब तक कि प्लांट की ग्रोथ जो है होने, थोड़ी थोड़ी पत्तियां खड़ी ना होने लगे। प्लांट अगर खड़ा हो गया, अभी भी तना हुआ है आपका प्लांट और मिट्टी का जो कलर है वो लाइट नहीं हुआ है, तब तक हम पानी नहीं देंगे। और क्योंकि कोलियस की डालें बहुत ही मांसल होती हैं, बहुत ही चिकनी होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, तो ये पानी में तुरंत सड़ने लगती हैं, तो इसलिए आपको पानी इतना नहीं देना है ताकि ये हमारी कटिंग सड़ने लगें। तो इसलिए इन कटिंग्स को आपको अब पानी बिल्कुल भी भूल करके भी नहीं देना है। और 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारा प्लांट जो है ये प्लांट बन चुके हैं ये कटिंग्स,
और आप इसी तरह से कटिंग्स लगाइए, और अपने फ्रेंड्स के यहाँ जिनके यहाँ भी कोलियस लगे हुए हैं आप उनसे कटिंग ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेकर के आया हूँ, और लगाइए इस तरह से। इस पर भी पानी डाल देते हैं हम, और हमेशा के लिए ये एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों के में भी सही रहता है, और गर्मियों में अगर आप मई जून में अगर इसको बचा ले जाते हैं तो साल भर के लिए बचा रहता है प्लांट। अगर आपको दिल से कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपना चैनल प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें।